आज इस इंसान ने मुझे इतना परेशान किया मेहंदी के चक्कर में, अब मैं कभी मेहंदी नहीं लगाने वाली हूँ, देख लेना। जब शादी तक तो खुद ने भी हाथ में लगवाई थी, सब कुछ ठीक था। लगा के बेड पे लेट रही पूरा। जब से मुझे कहीं यहाँ से मेहंदी निकालो, वहाँ से मेहंदी निकालो, बार बार बिस्तर साफ करो, बार बार बिस्तर साफ करो, बिस्तर पे मत चढ़ो, कहता हाथ में पन्नी बांध के पैर में, कहते होते मैं दो पन्नी चार पन्नी लेके आ रहा हूँ, हाथ में पन्नी बांधो, पैर में पन्नी बांधो, ऐसे कोई करते है? नहीं, फिर बिस्तर में गिर दी ना। अभी से 15 दिन हुए हैं शादी के, उससे मोहब्बत थोड़ा ना कम होती है। तुम्हारी मेहंदी लगाई जल रही है यहाँ पे, तो फिर क्या है? क्या होता है? नहीं, गंदी अच्छा लगता है लोगों को मेहंदी झड़ती है आसपास लग जाती है। ठीक है, आप लोग बता रहे किसको अच्छा लगता है मेहंदी बिस्तर में, आप लोग बता रहे ठीक है। मतलब इसको मेहंदी से एलर्जी है, लेकिन शादी के टाइम, जब शादी हुई नहीं थी तो इसने हाथ में मेहंदी से हमारा नाम लिखवाया, तब इसको एलर्जी नहीं हुई थी। अब शादी हो गई है तो अब इसको, मेरी बात सुनो, मैंने लिखवाया था हाँ। और उसको रात में धो भी दिया था पानी से, लेकिन लगवाई तो थी। तो भाई तुम भी धो दो, तुमने लगवा ली तो। मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी निकाल के नहीं सोऊंगी, ऐसे ही सोऊंगी। तुम अपना उधर ही सो जाओ, मुझे मैं यहाँ सो जाऊंगा अपना। लोग मैंने ये नहीं कि जाके धो लूँ उसको, मेहंदी अभी नहीं धोते, रंग नहीं आ रहा है। अरे एक बार रंगाना था, आगे शादी होगी रंगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खराब हो, किसानी का प्यार 15 दिन में कम हो गया, मेहंदी में रंग नहीं आ रहा। कोई नहीं कहेगा, इससे रंग से कुछ नहीं होता है। होता है? नहीं नहीं, सब गलत चीज है कि मेहंदी में रंग आएगा तो ही प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम तो बहुत प्यार करते हैं, घर में मेहंदी मेहंदी, नीचे ऊपर हर जगह मेहंदी है। ले 100 रुपए ले, कल से मेहंदी नहीं लगाना। आवाज सही है? हाँ, बैठे बैठे सो रही है। दवा दी? तुम सो रही हो? हाँ जल्दी। हाँ यहाँ पे इतनी जल्दी ऐसा लगता है 2 बज गया है। लो फ्रेंड्स, पूरी मेहंदी भी मैंने इतनी निकाल दी है और मैं पूरा बिस्तर भी क्लीन कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लगे हैं सोने, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह। अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।